इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। नमस्कार, हमारे शो किस्से और कहानियां में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय चव्हाण। मुंबई के इतिहास के ऐसे कई पहलू हैं जिनसे आज भी हम वाकिफ नहीं हैं। उनमें से एक है 17वीं शताब्दी में हुआ मुंबई पर सिद्दियों का आक्रमण। उस आक्रमण का इकलौता गवाह है शिवडी का ऐतिहासिक किला। आइए देखिए शिवडी के किले की कहानी। ज्यादातर लोग जो मुंबई आते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि इस महानगर शहर में ऐसे किले हैं जिन्होंने इस शहर के इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है। बॉम्बे दरअसल 7 द्वीपों का एक समूह है जो उपहार के रूप में प्रमुखता में आया। सन 1662 में जब पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा ने चार्ल्स द सेकेंड से शादी की, तब उन्हें दहेज के रूप में बॉम्बे के 7 द्वीप उपहार के तौर में दिए गए। ये 7 द्वीप पानी और दलदल से बटे हुए थे और मध्ययुगीन काल में किसी भी शासक द्वारा इन्हें महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था, लेकिन औपनिवेशक शक्तियों के लिए ये गढ़ बहुत अहम बना और इस तरह पुर्तगाली और अंग्रेजों ने इन 7 द्वीपों में कई किलों का निर्माण किया। अंग्रेजों के हाथ में आने के 20 साल बाद उन्होंने यहाँ शिवडी किले का निर्माण किया, जो एक वॉच टॉवर की तरह इस्तेमाल किए जाने के लिए बनाया गया था। लेकिन समय के साथ इसका इस्तेमाल कैदियों को रखने के लिए जेल की तरह और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा गोदाउन की तरह भी किया गया। ऊंची पहाड़ी पर बना ये किला 3 तरफ से जमीन से घिरा हुआ है और चौथी तरफ सिर्फ एक चट्टान है। अफसोस की बात ये है कि हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे ये पता चले कि जंजीरा के सिद्दी याकूत खान के हमले के पहले ये किला कैसे दिखता था। शिवडी किले का आज जो रूप हम देख सकते हैं वो एक नया वर्जन है जिसे अंग्रेजों द्वारा सन 1768 में बनवाया गया था। शिवडी फोर्ट ब्रिटिश लोगों ने 1680 में बनाया, मतलब जैसे ही बेट उनके हाथ में आए उसके बाद तुरंत 20 बरस के बाद उन्होंने शिवडी का फोर्ट बनाया। वो फोर्ट कैसा था एग्जैक्टली वो आज नहीं पता, क्योंकि 1689 को मुगल सरदार सिद्दी याकूत खान, जब उनका कुछ मुगल एम्पायर से कुछ तंटा बखेड़ा हो गया तो सिद्दी याकूत खान को औरंगजेब ने आदेश दिया कि तो जाके तुरंत उसके ऊपर आक्रमण कर दे, तो उसने शिवडी फोर्ट कॉन्कर किया। उस वक्त शिवडी फोर्ट का बहुत थोड़ा भार नुकसान भी हुआ होगा और उसके बाद में ब्रिटिश लोगों ने उसका पुनर्निर्माण किया। 1768 में बनाया है और आज जो फोर्ट दिखता है वो उसका नया रूप है। उसका जो मूलभूत प्रयोग है वो खाली स्टोरेज के लिए, जो गोदाम बोलते हैं, हर तरह की चीज़ें रखने के लिए, जिसको अब मराठी में तो वखार बोलते हैं, अंग्रेजी में फैक्ट्री बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारे व्यापार की जो चीज़ें हैं वो सुरक्षित रखने के लिए वो फोर्ट पहले बनाया गया था। बाद में वक्त बदल गया और ब्रिटिश का राज का अमल पूरे हिंदुस्तान पे आ गया, तो वो वक्त वो सिंपली एक गोडाउन करके रखा था। ऐसा भी हमें रेफरेंसेस मिलते हैं, संदर्भ मिलते हैं कि उसका उपयोग तुरुंग जैसा भी किया जाता था। वो मोपल लोग जो थे उनको, कई मोपलों को वहाँ कैदी बना के रखे थे, लेकिन वो मोपल छूट गए वहाँ से। वो वक्त से वो जो फोर्ट है वो तुरंग के हिसाब से सुरक्षित नहीं है, ऐसा महसूस किया होगा। और बाद में उसका जो
उपयोग है वो गोडाउन के जैसा ही होने लगा। और जब ब्रिटिश राज ख़त्म हो गया, इंडिया को आज़ादी मिल गई, तभी भी वो BPT ने उसका उपयोग गोडाउन करके से ही इस्तेमाल कर दिया है ऐसा दिखता है। अगर आप देखें तो मुंबई में ज्यादातर किले हमले से बचने के उद्देश्य से बनाए गए थे। शिवड़ी किले का इस्तेमाल भले ही पूरे इतिहास में कई अन्य उद्देश्य से किया गया हो, लेकिन इसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ वॉच टॉवर के उद्देश्य से ही किया गया था। भालचंद्र कुलकर्णी इसी वजह से इस किले को अनोखा मानते हैं। संख्या आधिक्य से अगर शत्रु उनके ऊपर आ जाता है आक्रमण करने के लिए तो ये फोर्ट्स ज़्यादा टिकते नहीं, लेकिन ये फोर्ट्स जब है उनके पास और एक चीज़ थी, वो था तोपखाना, मतलब कैनन्स थे। और वो कैनन के जरिए जब दूर वर कोई जहाज है या कोई वेसल है तो उसके ऊपर वो मारा कर सकते थे। और ऐसा उसके वो जो सी शोर है उसके यहाँ अपनी जरब बना के रखते थे, उसके लिए उसका फ़ायदा बहुत होता था और वही शायद उसका इस्तेमाल है। और दूसरी चीज़ एक है कि रात के वक्त उनको बैटरी से, मतलब मशाल से सिग्नलिंग किया जाता था। और जो भी फोर्ट है, वरली फोर्ट, देन शिवडी फोर्ट, सायन फोर्ट, वो सब फोर्ट वो वक्त रात को अगर मशाल तुमने घुमाया तो एक फोर्ट से दूसरी मशाल दिखती थी, तो वो सिग्नलिंग करके ऑल वेल ऑल क्लियर ऐसे सब मैसेजेस वो रात के समय देने के लिए भी ये फोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता था। ब्रिटिश लोगों का एक स्वभाव है, वो हमेशा डरते थे कि कुछ भी कहीं भी हो सकता है, एंड वैसा वो प्रिपेयर रहेंगे कि कुछ भी हो सके। तो वो प्रिपरेशन के हिसाब से उसने वो ये फोर्ट्स पहले तो बताया कि वॉच टावर जैसे भी थे। दूसरी बात ये है कि वो इतनी प्रबल शक्ति शुरू में नहीं थे। जब प्रबल शक्ति हो गए तो ये फोर्ट का कुछ फ़ायदा ही नहीं था उनको, वो बनाया है करके रख दिए। लेकिन जब प्रबल शक्ति नहीं थे तब उनको ये ज़रूरी था कि अपना जो नेवल पावर है वो ही उनके पास एक पॉजिटिव थिंग था, एक बलस्थान था ब्रिटिश अंग्रेज़ों के पास। और यहाँ उसने बंदर एक बार उनको ब्रिटिश को मिल गया, बाद में दिखाई नहीं देता कि पोर्तुगीज और ब्रिटिश कहीं बम्बई में कॉन्फ्लिक्ट में आए या कहीं और कॉन्फ्लिक्ट में आए। शिवाजी ने एक बार नाकाबंदी किया था, मतलब सब वेसल्स उसका लगा के यहाँ का जो सप्लाई था अनाज का, सब्जी का, वो सब बंद किया था। वो सिद्धि का जो बैटल है वो अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा बैटल्स बम्बई में नहीं हुए हैं, बम्बई में के भूमि पे तो बिल्कुल नहीं हुए हैं। 18वीं शताब्दी में जब मराठा पुर्तगालियों के साथ युद्ध में व्यस्त थे, तब माहिम और शिवड़ी के किले अंग्रेजों के हाथ सुरक्षित रहे। शिमाजी अप्पा पेशवा ने एक फ्रंट खोली थी कि वसई से ये पुर्तगीजों को निर्मूलन करना, ये भूमि से उनका उच्चाटन करना, और उसके लिए जो भी पुर्तगीज फोर्ट्स थे वो सब पे शिमाजी अप्पा ने अटैक कर दिया था। लेकिन बम्बई उस वक्त ब्रिटिश के हाथ में थी। तो बेला रही बात बेलापुर फोर्ट की, बेलापुर पुर्तगीजों के हाथ में था, इसके वास्ते बेलापुर पर अटैक हो गया। बांद्रा फोर्ट पुर्तगीज के पास था, इसके लिए बांद्रा फोर्ट पर अटैक कर दिया शिमाजी अप्पा ने। लेकिन ब्रिटिश से वॉर नहीं था तो यहाँ माहिम को या शिवड़ी को उसने अटैक नहीं किया है। जो भी अटैक हो गए वो ज़्यादा तरीके से खुशकी से, मतलब जमीन मार्ग से हुए हैं। आज महाराष्ट्र के डायरेक्टोरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स ने शिवड़ी किले को प्रथम श्रेणी में रखा है। इस किले की एक और खास बात ये है कि ये मुंबई का एकमात्र ऐसा सार्वजनिक स्थान है जहाँ से शानदार राजहंसों या फ्लेमिंगोस का झुंड देखा जा सकता है, जो नवंबर और जून के महीनों के बीच गुजरात के कच्छ से पलायन करके यहाँ आते हैं। दुख की बात ये है कि इसके आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों के अलावा यहाँ ज्यादा पर्यटक नहीं पाए जाते। इस किले को मुंबई के समुद्री अतीत के झरोखे के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। तो ये थी कहानी शिवड़ी के ऐतिहासिक किले की। हमारे मोहल्लों में ऐसे अनगिनत मॉन्यूमेंट्स हैं जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा करते हैं और जिन्हें जरूरत है हमारे देखरेख की।